नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान शिक्षण यूट्यूब चैनल में। कुछ दिनों से मैं सोच रहा था कि मुझे एक SSD चाहिए। मैंने इससे पहले P3 क्रुशल की SSD परचेस की थी, अब और मुझे एक SSD चाहिए थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम WD ब्लैक SN770 SSD लिया जाए। तो मैंने WD ब्लैक SN770 NVMe 1TB की SSD खरीदी है, जो कि ये है आपके सामने। मैं इसको डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको दिखाई दूंगा और आपको अनबॉक्सिंग भी बता दूंगा। तो देखिए, वेस्टर्न डिजिटल WD ब्लैक SN770 NVMe SSD कुछ इस तरह से आपके सामने शो होती है अमेज़न पे। ब्लैक इसका नाम है, WD ब्लैक, और इसकी जो स्पीड है वो 5150 MB रीड स्पीड चली जाती है। रीड राइट स्पीड यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, और ये लैपटॉप यूजर हो गए या डेस्कटॉप यूजर भी हो गए तो 20% मोर पावर एफिशिएंसी के साथ में ये आती है। अब यहाँ पे देखिए, दो उंगलियों के बीच में ये बैठ जाती है, बहुत ही स्लिम होती है, बहुत ही छोटी होती है, और ये गेम्स के लिए बहुत ही बेस्ट SSD है दोस्तों। अगर आप लेना चाहते हैं 6000 के बजट में, तो ये SSD आपके लिए है। अब ये PCIe जनरेशन 4 परफॉर्मेंस के साथ में आती है, और कुछ इमेजेस जो अमेज़न पे उपलब्ध है मैं आपको ये बताना चाह रहा था। और यहाँ पे देखिए, टर्बोचार्ज योर लैपटॉप गेम लॉन्गर एंड बेटर फ्रॉम ट्रस्टेड ब्रांड इन गेमिंग स्टोरेज। गेमिंग के लिए तो SSD बेस्ट है, वीडियो एडिटिंग के लिए भी SSD बेस्ट है। और इसके साथ में इसका जो TPW है वो 600 मिल जाता है, जो उसकी लाइफ स्पैन है वो TPW 600 मिल जाती है। 1TB की कैपेसिटी के साथ में मैंने इसको परचेस किया है। फॉर्म फैक्टर M.2 है, और सिक्वेंशियल रीड परफॉर्मेंस 5150 और राइट परफॉर्मेंस 4900 MB पर सेकंड के साथ में इसको मिलता है। इंटरफेस इसका PCIe जनरेशन 4 है, और यहाँ पे जो वेबसाइट में बता रहा हूँ वेस्टर्न डिजिटल की तरफ से, इसको 250 GB, 500 GB, 1TB के साथ में और 2TB के साथ में ये उपलब्ध होती है। तो आप यहाँ से वेबसाइट पे जाके इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं। तो चलिए अब इसे अनबॉक्सिंग करते हैं, क्या हमें पैकेट के साथ में मिलता है और किस तरह से ये प्रैक्टिकली दिखती है। तो अभी आप देख पा रहे हैं ये जो बॉक्स है, ये है हमारा WD ब्लैक SN770 NVMe SSD। यहाँ पे लिखा भी है WD ब्लैक SN770 NVMe SSD गेम ड्राइव और गेमिंग के लिए यूजफुल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेजेस में, देखिए WD ब्लैक सब नाम दिया है, वेस्टर्न डिजिटल का ब्रांडिंग है, और कैपेसिटी 1TB 2 Gen 4, ठीक है। और WD ब्लैक SN770 यहाँ पे साइड में इसकी बॉटम में डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, जनरेशन 4 है, और टॉप में देखिए नाम दिया हुआ है WD ब्लैक SN770। यहाँ पे हमने ये देख लिया है, आपको फिर से बता देते हैं, जनरेशन 4 NVMe PCI Express M.2 SSD है ये दोस्तों, और हाई परफॉर्मेंस के साथ में ये आती है। तो बैकग्राउंड में देखिए इसका प्राइस भी दिया हुआ है, बट ये जो प्राइस है ये प्राइस 17,000 है, बट घबराने का नहीं दोस्तों, ऑनलाइन पे ये 6,000 रुपये में मिल जाता है। तो चलिए, 5 साल की गारंटी के साथ में ये आती है। अब इसे कुछ समय नहीं गंवाते हैं और इसे यहाँ से टियर कर लेते हैं। तो मैं इसे फटाफट टियर कर लेता हूँ। जब तक मैं इसे टियर करता हूँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप गेमर है, यूट्यूबर है, तो ये SSD जरूर परचेस करिए। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। इससे पहले मैंने PCIe कुशल की तरफ से P3 SSD परचेस की थी, जो भी M.2 ही थी, उसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। तो देखिए, इस बॉक्स में ये जो हमारी WD ब्लैक है, इस बॉक्स में एक हमें एक ये मिलता है बुक में सब कुछ वेस्टर्न डिजिटल की तरफ से आने वाले इस नंबर वगैरह दिए हुए हैं। चाहे तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं या साइड में इसे रख दीजिए, सील के साथ में आते हैं, पैकिंग अच्छी है दोस्तों। अब ये रहा हमारा मेन कंटेंट, और इसके साथ में हमें कुछ भी नहीं मिलता है, सिर्फ SSD मिलती है, ना स्क्रू मिला है, ना कुछ हमें स्क्रू ड्राइवर मिला है। तो यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे, बहुत ही स्लिम है और कॉम्पैक्ट है और हाई परफॉर्मेंस वाली ये SSD है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो IC सर्किट है, इस पर ही माउंट है, कोई भी यहाँ पे जो नंबर दिया है वो भी यहाँ पे माउंट किया है, कितना वोल्टेज लगेगा सब कुछ यहाँ पे दिया है। मेड इन मलेशिया में ये बनी हुई है, और इसकी कैपेसिटी 1TB के साथ में आती है। देख रहे हैं आप, इसका चिप सर्किट भी यहाँ पे इन्होंने शो किया हुआ है, बहुत ही कॉम्पैक्ट है, बहुत ही छोटी है दोस्तों। इसका जो फॉर्म फैक्टर है 2280 है। तो आपने अभी तक देखा कि WD ब्लैक SN770 अनबॉक्सिंग और इसका स्पेसिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इसे परचेस कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, इसको हम किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। धन्यवाद।